चलिए आज की शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं। एक स्टोरी जिसमें एक पिता होता है और उसके 5 बच्चे होते हैं। पिता अपने चारों बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता था, लेकिन पांचवे के लिए कुछ नहीं लाता था। बहुत दिन बीत गए, ऑलमोस्ट 60-70 दिनों के बाद पिता ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पांचवे के लिए भी कुछ करना है। वो एक अच्छी सी गाड़ी जाके खरीद के लाता है और पांचवे को देता है। पांचवा बोलता है, नहीं मुझे लाइट वाली गाड़ी चाहिए थी, ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए थी। फिर पिता बोलता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें लाइट वाली गाड़ी ला के देता हूँ। वो जाता है दुकानदार को, वो गाड़ी रिटर्न करता है और एक लाइट वाली गाड़ी लेके आता है और बोलता है, बेटा ये ले, तेरे लिए लाइट वाली गाड़ी लेके आया हूँ। उस बच्चे को लगता है कि नहीं, वो गाड़ी को लेता है और उसी समय पटक के फोड़ देता है, तोड़ देता है उसे, और बोलता है, नहीं पापा, आपको मुझे ये गाड़ी एट फर्स्ट इंस्टेंस ला के देनी चाहिए थी। आपने 60 दिन तक नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट इंस्टेंस ला के देनी चाहिए थी, या अगर देनी भी थी तो मुझसे पूछ के देनी चाहिए थी। अब इस गाड़ी का कोई मोल नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज़ राज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट प्राणी। आज हम फार्म विल के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 17 डेज, 16, 17 और 18 डेज जब से ये एजिटेशन इन फुल शेप है। और आफ्टर राउंड्स ऑफ डिस्कशन विद गवर्नमेंट एंड फार्मर, ये किसी तरफ डिसाइसिवली जाता नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट के डिस्कशन में आइडियली हुआ क्या क्या। जो स्पष्ट इशू था वो था एमएसपी चला जाएगा, एमएसपी चला जाएगा। गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दे दिया है कि हाँ, रिटन कॉन्फर्मेशन देंगे कि एमएसपी नहीं जाएगा, एमएसपी पोजीशन रहेगा और रहेगा। दूसरा कंसर्न था कि एपीएमसी मंडीज खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने उसका अश्योरेंस दिया है कि वो लिखित देने के लिए तैयार है कि एपीएमसी मंडी का स्ट्रक्चर और एक फॉर्म रहेगा। फार्मर का एक कंसर्न था कि आउटसाइड मार्केट, लाइक आउटसाइड मंडी, टैक्सेस नहीं है, बट मंडीज में जब हम जाते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, तो डेफिनेटली एक प्राइस का गैप रहेगा सेम एरिया में। जैसे कि आप बाहर से बेच रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अंदर बेच रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। सो डेफिनेटली एक प्राइस वॉर होगा, और उसके लिए और उस कारण से लोग मंडी में बेचना नहीं पसंद करेंगे, जिसके कारण मंडी का चार्म खत्म होगा और फिर से मंडी चली जाएगी, मंडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी। बट गवर्नमेंट ने इस पे भी अश्योरेंस दिया है कि ओके, स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्लाई अ टैक्स स्ट्रक्चर ऑन ऑन एपीएमसी एज वेल एज आउटसाइड एपीएमसी डील्स एंड ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये भी हो गया। आइडियली एक कंसर्न था कि देर हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, आपको धोखाधड़ी और फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि एज पर न्यू लॉ कोई भी इंसान किसान की उपज खरीद सकता है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और वो है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट्स इट। सो आइडियली इन शॉर्ट, लाइसेंस राज, जो बहुत एक फेमस टर्म है, लाइसेंस राज को खत्म करने की बात की गई थी। बट इसमें भी किसानों को ऐतराज है। अब मुझे नहीं लगता किसान एट लार्ज, जो किसान खून पसीने बहा करके धान उगाते हैं, चावल गेहूं उगाते हैं, वो नहीं होंगे। उनके डेफिनेटली मीडिएटर्स एंड बिचौलियर्स होंगे जो कि ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि लाइसेंस राज से किसान को फायदा नहीं है, ये श्योर है। उस पे भी स्टेट, उस पे भी सेंट्रल और गवर्नमेंट ने ये अश्योरेंस दिया है कि ओके, स्टेट गवर्नमेंट एक ट्रेडर लाइसेंस इंट्रोड्यूस करेगी, और उस लाइसेंस के थ्रू हर इंसान जिस इंसान के पास भी वो लाइसेंस होगा, वो उसके उपज, किसान के उपज को खरीद सकता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जितनी बैरियर्स कम होंगे फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी ट्रेड, वो उतना स्मूथ और उतना अच्छा होगा। मुझे पर्सनली वो पैन कार्ड वाला जो फर्स्ट प्रपोजल था, वो गवर्नमेंट का ज़्यादा पसंद आया। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है इस पर। फिर किसानों का एक कंसर्न था कि हमारी लैंड एट रिस्क हो जाएगी, क्योंकि ये प्राइमली अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातें हो रही हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है और हम कॉन्ट्रैक्ट अपडेट नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है हमारी लैंड फोरफिट कर ली गई या हमारी लैंड हमसे ले ली गई, इस तरह का कॉन्सेप्ट। बट इस पर सरकार ने क्लियरली बोला है कि एज पर देयर एग्जिस्टिंग
एक्ट एज पर द एग्जिस्टिंग बिल ये चीज़ ऐसा किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है जिसमें कि किसान का लैंड इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है और उसमें से लाइबिलिटी फार्मर्स की निकलती है तो फार्मर्स को एट मैक्स क्रॉप जितनी क्रॉप के लॉस हुए हैं उनका हर्जाना देना होगा और वो भी एट द फैग एंड, जो कि SDM का आखिरी लाइक सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा। उसके बाद किसानों का एक इशू था कि इसमें हमारे पास कोर्ट जाने का कोई प्रावधान नहीं है, हम केस में नहीं जा सकते हैं, सारी की सारी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमें SDM के पास जाना है। सो सीरियसली, क्या इस कोर्ट पर कोर्ट से तुरंत और जल्दी कोई भी सल्यूशन मिला है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट जा कर के आपको तुरंत रिजोल्यूशन मिलेगा? मुझे नहीं लगता है, बट सरकार ने इस पर भी एक प्रावधान किया है और उनका बोलना है कि ठीक है, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सिविल कोर्ट जाने के बाद हमारा जिम्मेदारी होगा उसको फास्ट ट्रैक रूट देने का, सो दैट आपके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो जाए। इन सब के बीच मैंने भी सोचा क्यों ना पता किया जाए कि एक्चुअल इशू क्वेश्चन और कंसर्न क्या है। गवर्नमेंट डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है, डाइवर्स क्रॉप की बात करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे कंट्री में सिर्फ चावल और गेहूं की बहुत ज़्यादा उपज है, उसके जगह पर हमें डाइवर्स फार्मिंग करनी चाहिए। और हाँ, लेकिन किसानों का पक्ष जानने के लिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपने कुछ पंजाब और हरियाणा के फ्रेंड्स को फ़ोन करूँ जो कि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जब मैंने उनसे बात करा और मैंने पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है, सो क्यों नहीं आप चावल गेहूं की जगह पर भुट्टे की और मकई की और मेज की खेती करते हो या किसी दूसरे की खेती करते हो, दूसरे ग्रेन्स की खेती करते हो। सो उनका बोलना बहुत साफ था कि चावल और गेहूं की MSP 1800-1900 के आसपास होती है और उन्हें भले ही MSP पे ना भी बिके तब भी आउटसाइड मार्केट 1400-1600 के बीच में उपज मिल जाती है किसी भी हालत में, अगर आप बिचौलियों के थ्रू भी बेचो तब भी। लेकिन अगर आप भुट्टे की बात करते हो, मकई की बात करते हो, सो ये बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है कि मकई जिसकी MSP कुछ 1800 के लगभग है वो सिर्फ 800-700 रुपए के अप्रॉक्सीमेटली बिका था हरियाणा में ये कुछ ही महीनों पहले। सो उनका बोलना है क्योंकि गवर्नमेंट, ऑल्दो देयर 23 आर्टिकल्स जिस पे MSP डिसाइड होता है, बट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ चावल और गेहूँ ही प्रोक्योर करती है, जिसके कारण मार्केट में मोनोपोली चलती है, मार्केट में कार्टलशिप चलता है और लोग कार्टल बना के जो भी उपज होती है उसको बहुत कम रेट में खरीदते हैं। और इस कारण से किसान ये चाहता है कि उसको एक मिनिमम पैसा मिले और इस कारण से वो ज़्यादा फोकस अपने चावल और गेहूँ की तरफ करता है। सो आई थिंक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उपज की नहीं है, ये प्रॉब्लम एक प्रॉपर गवर्नेंस की है। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर गवर्नेंस देना चाहिए। गवर्नमेंट को एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे फ्रेंड ने बोली कि MSP को सिर्फ एक आर्टिकल, एक रेट नहीं सोचना चाहिए जिस पे गवर्नमेंट किसानों से खरीदे, बट जिस तरह से मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप मोबाइल के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस करते हो, कोई भी वाइट प्रोडक्ट लेते हो आप सबके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेते हो कि इससे ज़्यादा पे कोई नहीं बेच सकता है, उसी तरह क्यों ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाए हर एक ग्रेन का, जिससे नीचे कोई भी नहीं खरीद सकता है। क्या ये नहीं किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है, इसके लिए गवर्नेंस की ज़रूरत है। सो दो कंसर्न उन्होंने मुझसे शेयर किया जो कि मुझे बहुत ही लॉजिकल और रीजनेबल है। सो व्हाट नेक्स्ट? गवर्नमेंट, अब फार्मर्स ने क्लियरली अनाउंस करा है कि ये एजिटेशन बहुत उग्र रूप लेगी अब और इस एजिटेशन को डिफरेंट यूनियंस, डिफरेंट पार्टीज ज्वाइन करने लगे हैं। अन्ना हजारे ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 2011 के जैसा ही वो एक जन आंदोलन कर सकते हैं अगर फार्मर्स की कंसर्न को एड्रेस नहीं किया गया। डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं सामने कि फार्मर्स की कंसर्न को एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है और
उसके कारण एक अच्छा फुटेज मिल रहा है। हाउएवर कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कंगना रनावत भी गवर्नमेंट के फेवर में खुलकर आके बोल रही हैं, और एक तरह का एक सोशल वॉर चल गया है। फार्मर्स रोड पे वॉर कर रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ ट्विटर और अदर सोशल मीडिया पे वॉर कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट इन टाइम गवर्नमेंट ने आज ही अनाउंस करा है कि वो 700 चौपाल करेंगे और 700 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे टू हाईलाइट व्हाट आर द गुड पॉइंट्स ऑफ फार्म बिल, जो कि बहुत सही है और अच्छा है। मुझे लगता है किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन डिस्कशन है। आप बिना डिस्कशन के किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन पे अराइव नहीं कर सकते, और डिस्कशन विद अ पॉजिटिव माइंड। पहली बार ऐसा हुआ है कि फार्मिंग इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट बात कर रही है, और एज़ हम सबको और किसानों को ये ध्यान देना चाहिए कि ये बात एक बहुत ही फ्रूटफुल एंड पे जाए, जिससे फार्मर एट लार्ज, वो फार्मर जो हर साल सुसाइड करते हैं बिकॉज वन और अदर रीज़न, उनको फ़ायदा हो, सुसाइड रेट घटे और उनके फैमिली अपग्रेड हो सके, उनके फैमिली प्रॉस्पर कर सके। इन सारे चीज़ों में मुझे बस एक चीज़ का डर है, एक चीज़ का, कहीं दो बिल्लियों के लड़ाई में बंदर रोटी ना ले जाए। हमें दो बिल्ली तो पता है, सरकार और किसान, बस बंदर का पता लगाना है, बस ये ना हो। थैंक यू।